नमस्कार, स्वागत है आपका UK24x7 न्यूज में। आज बृहस्पतिवार को मसूरी के नगर पालिका परिषद में क्रिसमस और नववर्ष की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में शहर कोतवाल के साथ वार्ता कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सुझाव दिए गए। देखिए पूरी रिपोर्ट मसूरी से नितेश उनियाल की। बैठक आज पालिका सभागार में पुलिस प्रशासन, स्थानीय सभासद, टैक्सी एसोसिएशन और भी शहर के अन्य लोगों के साथ यहां पर किए गए, जिसमें जो आने वाला हमारा न्यू ईयर है, क्रिसमस है, इसकी छुट्टियों में किस तरीके से शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था बनाने की जाए, इसके बारे में विचार लिया गया और पुलिस डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया कि जितने भी टू व्हीलर्स, जो कमर्शियल टू व्हीलर्स की जिस तरह की संख्या बढ़ रही है, पब्लिक प्लेसेस पे खड़े हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनको जो पार्किंग कोई जगह ऐसी अलॉट करी जाए जहाँ ये अपने टू व्हीलर्स पार्क कर रहे, सार्वजनिक स्थानों पे ही अपने टू व्हीलर्स पार्क ना कर सके। और इसके साथ साथ जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जितने भी होटल्स हैं, जिनके पास गाड़ियां जिनकी रोड पे खड़ी रहती है, तो जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे किसी प्रकार की कोई पार्किंग ना हो। किंग रेट पार्किंग का सदुपयोग किया जाए। टाउन हॉल पार्किंग के लिए हम MDDA सेक्रेटरी से बात करेंगे कि हमें न्यू ईयर के लिए पार्किंग दे दी जाए। और इसके साथ साथ किस तरीके से माल रोड पे और आने वाली जो, क्योंकि लंढौर भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और किस तरीके से एक ट्रैफिक प्लान बनाया जाए, इसके बारे में हमारा डिस्कशन कोतवाल, मसूरी कोतवाल से किया गया।